जय श्री राम, जय माता जी रुकम। मैं विनय पिटलिया आज आपके सामने बैठा हूँ और साथ में एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ कि जिनके बारे में आप सुनेंगे, जिनको आप देखेंगे, जिनकी आप बातें सुनेंगे, तो जिस तरह से मैं उनका फैन हूँ आप भी उनके भक्त ही बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आपसे मिलवाना चाह रहा हूँ श्री दुर्गाराम जी मुवाल को, जो कि यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में तैनात है। कहने को तो ये शिक्षक हैं, लेकिन ये हर तरह की लोगों की मदद, कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग, हर तरह से जो आप नाम लें, ये इनके इनको यहाँ पे रोबिनहुड भी बोला जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं दुर्गाराम जी का। दुर्गाराम जी, स्वागत है आपका हमारे शो नमस्कार में। जी। हम पहले तो मैं हम आपसे परिचय करा देता हूँ। हम गांव वालों के लिए, हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए हम एक शो लेके आए हैं, जिनसे क्या लोगों को प्रेरणा मिले। जिस तरह से मैं आपका भगत हूँ, एक तरह से मैं आप मतलब एक एक भगवान के रूप में मैं आपको मानता हूँ कि हाँ यार, दुर्गाराम जी सर जैसा कोई है। तो मैं चाहता हूँ इस शो के बाद कम से कम आपका यहाँ पे इस क्षेत्र में आपका सहयोग करने वाला आपके भक्त भी यहाँ पे तैयार हुए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सवाल जवाब, जिसमें आपसे कुछ हम जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ कि आपको धन्यवाद कहाँ से विनय बुलाना जी, हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मेरे को उपाधियाँ दी, इतना सम्मान दिया। इसके लिए मैं रहने वाला डेगाना तहसील नागौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और यहाँ 2008 से मेरी ज्वाइनिंग है। मादरी पंचायत में रात उच्च प्राथमिक स्कूल पार गया पढ़ा। 2008 से आने के बाद एजुकेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी मैं कर रहा था, लेकिन उन चीज़ों को मेरे को नहीं पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक किसी के लिए बहुत बड़ा काम है। फिर जैसे कई बार न्यूज़ में आने से या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन अधिकारियों को मेरे को मोटिवेट करने के बाद या मेरे से मिलने के बाद पता चला कि भाई जो आप काम कर रहे हो वो साधारण काम है। उसके बाद काम चलते गए और ये श्रृंखला बनती गई। नहीं, लेकिन जैसे आप इस क्षेत्र में, जैसे आपके न्यूज़ में भी हम सुनते हैं, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जिसका मतलब आप न्यूज़पेपर में ना हो, और ना केवल आप न्यूज़पेपर में बल्कि हमारे दिलो दिमाग में भी छाए हुए हैं। कारण एक सिर्फ एक ही, जो काम मतलब कानून और व्यवस्था को संभालने के लिए जो प्रशासन को करना चाहिए, वो अकेले लेवल पर आप संभाल रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो इसका जितना आपको साधुवाद दिया जाए उतना कम है, लेकिन क्या आप हमें ये जो जो आप इस क्षेत्र में उतरे हैं और जो ये बीड़ा उठाया, क्या हमें एक थोड़ा सा आउटलाइन देंगे कि क्या आपको क्या मजबूरियाँ रही कि आपको इस क्षेत्र में उतरना पड़ा और ये काम आपको करने पड़े। जो काम प्रशासन को करने चाहिए वो आपको एक एज ए शिक्षक के रूप में, और शिक्षा के अलावा आपको ये काम करने पड़े। मेरी वैसे मोट पोस्टिंग तो एजुकेशन के लिए है, लेकिन यहाँ के आदिवासी पिछड़े लोग, गरीब लोग इतने जागरूक नहीं है। इन लोगों की परिस्थितियाँ देखने के बाद मेरे को मन से ऐसा आवाज़ आई कि यार मेरे को कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए। और मेरी शुरू से आदत रही है कि जब मैं स्कूल टाइम कॉलेज टाइम था, तब भी जब भी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत है या मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ, तो वहाँ मैंने हमेशा सहायता करने की कोशिश की। और ये हमेशा ईश्वर की कृपा ऐसी रही है कि जो भी मैंने काम में हाथ लगाया, जो किसी हेल्प किए, भगवान की कृपा से वो काम सफल हुआ है। और यहाँ ऐसा था कि शुरू में आया था तब काफी इस आदिवासी इलाके में बाल मजदूरी और बाल तस्करी की बड़ी समस्या थी। एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मेरे स्कूल के सामने रहने वाली लड़की जो 2 साल से बाल मजदूरी के लिए गई हुई थी, वो आई तब उसका फिजिकल, वो उम्र तो उसकी 12 से 13 साल थी, लेकिन जब वापिस बाल मजदूरी से 2 साल बाद घर लौटी तो उसका फिजिकल देख के मतलब बड़ी औरत भी उसके सामने कुछ नहीं लगी। तो मेरे को बड़ी शर्म आई कि यार देखो बच्ची के साथ क्या घटना हुई। जब मैंने बच्ची को वस्तुस्थिति जानी, मैंने कहा बेटा क्या क्या हुआ आपके साथ, तो बच्ची बता नहीं पाई, रोने लगी। फिर मैंने मेरे लेडीज स्टाफ के साथ मिलकर मैंने कहा एक बार आप पूछिए क्या करनी। वो जो जो उन्होंने बातें बताई उसके बाद मेरे को खुद को अंदर से ऐसा मतलब यूँ खुद पे अपने आप पर शर्म आने लगी कि यार जिस फील्ड में मैं या जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है, मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। उस दिन मेरे को शाम को नींद नहीं आई, मेरे को 2 दिन तक यूँ मैं खुद यूँ अलग से एक मन में विचार चलते रहे कि यार मेरे को इन लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे को क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने कदम उठाया। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि थोड़ा दिनों बाद कोई गांव में से 2 बच्चों को, एक का नाम तो वेलाराम था, उसकी सिस्टर का नाम लीला था, इनको कोई जो यहाँ मेट दलाल होते हैं वो उठा के गुजरात बाल मजदूरी के लिए रात को ले गया था। घर वालों को ये बात पता नहीं थी। सुबह मेरे पास घर वाला आया कि साहब हमारे साथ ये कंडीशन हो गई है, तो मैंने कहा भाई जाइए आप थाने में रिपोर्ट लिखाइए। तो घर वाले थाने में भी गए, थाने वाले ने रिपोर्ट भी दर्ज कर दी, लेकिन वो मेट का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने काफी हेल्प की उनकी। फिर एक दिन वो अचानक पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया या किसी ने बोला होगा कि एक बार आप सर के पास जाइए। मेरे पास वो आए कि सर हमारे साथ ऐसी समस्या, हमारे बच्चों को कोई उठा के ले गया, आप उनको छुड़वाइए। तो मैंने कहा भाई पुलिस भी काम करिएगा, सर पुलिस भी काम करिए, फिर आप अगर कुछ मदद कर सको तो। उस दिन अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है आपके बच्चों को 2 दिन में मैं घर पर ले आऊंगा। अब ये मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैसे ला पाऊंगा। फिर मैंने वहाँ के पहले पता किया भाई ये बाल मजदूरी बाल तस्करी होती क्या, किसके अंडर में होती है, इसका मैन मतलब हैंडल करने वाला कौन होता है।
फिर दीदी पता चला कि यार ये तो प्रशासन में काम होता है। फिर मैंने कहा एक बार जवान देती हूँ तो वैल्यू जवान की है, तो मैंने कहा बोल दिया उन बच्चों को मिल लाऊंगा, तो कोशिश में लग गया। फिर मैंने वहाँ जो बदमाश टाइप के या जो ऐसे ठेकेदार या दलाल टाइप के लोग थे उनसे संपर्क निकाला कैसे करके, भाई वो कौन कौन ले जाने वाला है, ऐसे करते करते तीन चार लोगों से जाके मेरा, तब जाके मेरे को लास्ट में जो बच्चों को ले जाने वाला था मेट या दलाल वो मिला। उससे मैंने संपर्क किया तो एक बार तो उसने फ़ोन काट दिया, उसको मैंने बोला मैं टीचर बोला तो फ़ोन काट दिया। मैंने फिर भाई टीचर के कहने से फ़ोन उठा नहीं रहा, फिर थोड़ा आवाज़ चेंज करके नए नंबर से फ़ोन किया तो वो थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा भैया बच्चे दो बच्चों को लेके गया, इनको छोड़ दे नहीं तो माता पिता एफ आई आर थाने में जा रहे हैं, क्या करना उनका। बोला साहब मैं दो दिन बच्चों को घर पहुँचा दूंगा, आप इनको थाने में भेजिए। और हुआ ये कि दो दिन बाद बच्चे घर आ गए। बच्चे घर आने के बाद क्या पता क्या गांव वालों को मन में ऐसी आई कि ये जो सर है हमारे लिए एक सब कुछ करने वाला एक ही बंदा है जो हमारे लिए पता नहीं किस तरीके से यहाँ पहुंचा है। और उसके बाद ऐसा है कि जब गांव वाले विश्वास करने लगे तो फिर वही बात है, अगर कोई किसी पर विश्वास करे तो किसी का विश्वास कैसे तोड़ सकते। तो उसके बाद ऐसी कड़ी बनती कि गाँव वाले हर समस्या में मेरे को भागीदार बनाना शुरू कर दिया। और मेरे को ये खुशी थोड़ी महसूस होती है कि यार देखो आज मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन एक गाँव के लिए मैं अपना कुछ न्योछावर कर सकता हूँ या कुछ दे सकता हूँ। और मेरा काम शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को दो घंटे एक्स्ट्रा दे दूँ या अतिरिक्त मेरे समय में से दे दूँ तो किसी को अगर खुशी मिलती है तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद ही मैंने काम शुरू किया और इसमें काफ़ी संघर्ष भी हुआ। अब तक मैं लगभग 200 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों को बाल श्रम और बाल तस्करी से मुक्त करवा चुका हूँ, जिसमें आंध्र प्रदेश से भी कई बार बच्चों को फ्री करवाया है, गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान में कई डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को फ्री करवाया। काफ़ी समस्याएं आई, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन भी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी आई कि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क हो गया था कि अगर मैं ये टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को मुँह कैसे दिखा पाऊंगा, ये कंडीशन हो गई थी। तो मैंने इन टास्क को लेना शुरू किया। एजुकेशन के अलावा मैंने एक्स्ट्रा टाइम में कई बार रात को 2-2 बजे तक जाकर इन लोगों को जो गाड़ियाँ भर के जाती थी बाल तस्करी वाली, वो मैंने छुड़वाना शुरू की। उसके लिए सबसे पहले मैंने वहाँ गाँव के अंदर मुख भी तैयार किए इन्फॉर्मेशन, ताकि मेरे को सूचना मिल सके, तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं कि भाई मेरे को पता कैसे चले। तो जो मेरे 4-5 इन्फॉर्मर थे उनको तैयार किया, वो मेरे को अपडेट देते, कई बार रात को 2 बजे जाते गाड़ियों को रुकवाया खाली करवाया, कई बार पुलिस का सहयोग भी लिया, चाइल्ड हेल्पलाइन का कई बार फ़ोन करके सहयोग लिया। लेकिन मेरे को लगा कि यार बार बार पुलिस को और चाइल्ड हेल्पलाइन को परेशान करना थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनके भी तो और काम होते हैं। मैंने कहा क्यों ना अगर मैं ये काम करने में सक्षम हूँ तो किसी और का सहारा क्यों लें। तो मैंने ये काम अपने स्तर से शुरू करना किया और फिर कई लोगों का विश्वास हो गया। और सबसे बड़ी बात तो लोगों की दुआ थी, जो आज मैं सही सलामत हुई काम भी कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी धमकियाँ भी मिली है, जान से मारने की धमकी भी मिली है, लेकिन उन चीज़ों से मैं काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ और मेरे लिए उन चीज़ों का कोई मायने नहीं। देखो जाना तो एक दिन सबको ही, जब मंजूर होगा तब देखा जाएगा, एक पहले अगर किसी बात पे सोच विचार करके अपन उस काम को छोड़ दे तो वो जमता नहीं है। अपने को गीता में लिखा हुआ है कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो, मैंने तो कर्म किया, फल जो मिलेगा देखा जाएगा। उसके बाद ये निरंतर संघर्ष जारी है और ये मैं काम 2011 से कर रहा हूँ। कभी मैंने न तो मेरे साथियों को बताया, न मैंने परिवार को, न मेरे स्टाफ को पता था कि ये काम मैं कर रहा हूँ। 2020 में कोई माननीय देश के न्यूज़पेपर ने मेरी खबर कहीं खोज खबर करके छापी, सुबह न्यूज़ में आने के बाद मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट में बुलाया, कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा यार ये काम जो प्रशासन नहीं कर पाए वो आप अकेले बंधन कर दिया, अपनी प्रेजेंटेशन बताइए कैसे की। अब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई थी नहीं, क्योंकि मेरे को जो काम किया बताया, तो मैंने कहा सर मेरा काम सारा आउट ऑफ लो जाएगा और हो सकता है इसके खिलाफ मेरे कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन प्रशासन आश्वासन दिया कि आप एक बार बताइए अपना काम, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आपने कम से कम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने के बाद इतर जाके आपने जो काम किया है एक समाज के लिए, जो मतलब आउट ऑफ ट्रैक जाके आपने किया, मैं वो सराहनीय काम एक बार बताइए। तो फिर मैंने वहाँ अपना काम बताया तो काफ़ी इंप्रेस हुआ और प्रशासन ने भी ये सब बोला कि आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हमेशा प्रशासन आपके साथ रहेगा। उसके बाद मेरे को हौसला मिला और मैंने ये काम, और अब आज मेरा पहले तो मेरी 1-2 पंचायतों में काम है, अब मेरा झाड़ोर फलाश पूरा ब्लॉक में हो गया। कई बार तो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी मेरे को फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे बच्चों को वहाँ लेके गया, उनको आप छुड़वाइए। और मेरी हर संभव कोशिश होती है कि जहाँ तक मेरा कवरेज या जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वो काम हमेशा कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मुआल साहब, जैसे कि आपने बताया कि मैं डेगाना से हूँ, तो डेगाना मानी हुई टंगस्टन की वहाँ बहुत सारी खाने हैं। टंगस्टन काम आता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में, जिस प्रकार से एक बल्ब का फिलामेंट पूरे घर को रोशन करता है, आपने आके इस क्षेत्र को पूरा रोशन कर रखा है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद, जितना मैं आपको धन्यवाद दूँ उतना कम है। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे जो ये कबूतरबाजी और जो ये चाइल्ड लेबर वगैरह हैं, तो इसके बारे में कभी आपने मतलब बच्चों को कभी फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से कभी बच्चों को स्कूल में या बाहर कहीं
इस तरह से समझाने की कोशिश की कि भैया ये कानून होता है या आप इस तरह से इनका सहयोग ले सकते हैं, जिस तरह कि आप ये भी बताया कि आपने जैसे 1081 जो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन है, 1098, तो उसके बारे में भी आपने कभी बच्चों को बताया, या जो जो प्रशासनिक जो जो इनके लिए जो कानून बनाए हुए हैं, जो इनको प्रशासन जो मदद देती है आर्थिक रूप से, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अनुसूचित जाति की मतलब अनुसूचित जाति प्रधान जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे लोग पिछड़े हुए भी हैं, तो क्या आपने कभी मतलब आउट ऑफ द ट्रैक या स्कूल के अलावा कभी जाके इनको ये इस तरह समझाने की कोशिश की, या कभी स्कूल में या कक्षाओं में कभी इस तरह से कानूनों को कभी बताने का प्रयास किया? सर, मैंने बच्चों को क्लास टाइम में मतलब स्कूल टाइम में काफ़ी समझाया, अदर पंचायतों में समझाने जाता हूँ, और जो मैंने ये काम किए स्कूल टाइम के अलावा काम किए, बच्चों को कई बार समझाया भाई 1098 नंबर है, आपके साथ कोई घटना हो तो, और 108 कई बार बच्चों को याद नहीं रहते, तो फिर मैंने मेरे जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ सार्वजनिक कर दिए कि अगर 1098 के बाद कोई हेल्पलाइन नंबर है तो मेरा मोबाइल नंबर है, 24 आवर्स चालू रहता है, अगर आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं आप मिस कॉल दीजिए, वापस हम कॉल करेंगे और आपको विद इन आधा घंटे में आपको वहाँ जो मेरे से संभव कोशिश रहती है वो सुविधा मिल जाएगी, चाहे मेरे द्वारा मिले चाहे पुलिस द्वारा मिले। इसके बाद लोगों को इतना विश्वास बढ़ा कि लोग 1098 को तो भूल चुके हैं, मेरा नंबर याद रख चुके। तो मोहल साहब, ये मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो चूंकि आप बता रहे हैं कि 1098 को भूल के लोग आपका मोबाइल नंबर याद रखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे कुछ, मैं आपसे कुछ पर्सनल जानकारी चाहना चाह रहा हूँ, तो अगर आज्ञा हो तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी जो शिक्षा है ये मतलब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई आपकी, और फिर उसके बाद आपने मतलब इस क्षेत्र में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही आने का आपको कैसे क्या सुझा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना चाह रहा हूँ, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद आपने जो अपना ट्रैक चेंज किया उस शिक्षा के साथ साथ जो आउट ऑफ द ट्रैक आप जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, वो आपको ये प्रेरणा जो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये आपको मतलब ये शिक्षा के क्षेत्र में ही आना आपको क्यों? उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें आप हर तरह का काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्कूल टाइम वाला टाइम भी खूब मिल जाता है, कम्युनिटी के संपर्क में रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप भगवान के छोटे रूप के साथ संपर्क में रहते हैं, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अगर आप यही हमारे देश का भविष्य है, अगर नींव मजबूत हो जाएगी तो बिल्डिंग को खड़ी होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मजबूती में टाइम नहीं लगेगा, और ये जो बच्चे हैं इनको देख के मेरे को जो खुशी मिलती है वो मेरे को किसी काम करने में खुशी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप छोटा बच्चा है कोई 10-12 साल का, उसको आप ज़बरदस्ती बाल मजदूरी करा रहे हो, बच्चे की इच्छा नहीं है, बच्चों को अचानक मेरा फ़ोन पहुंच जाता है किसी थ्रू या मेरी हेल्प पहुंच जाती है कि यार बच्चों को आज़ाद करवा रहे हैं, तो उस बच्चों को जो खुशी महसूस होती है उसको बयान नहीं कर सकते। कई बार ऐसी कंडीशन हुई है कि मैं किसी और को छुड़वाने के लिए फ़ोन करता, अगला बच्चा बोलता साहब मैं फंसा हूँ, मेरे को आप छुड़वा लीजिए, आप कहोगे वो काम करने को तैयार, तो एक अलग एनर्जी मिलती मेरे को कि देखो यार आज मैं तो इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक जो मैं काम कर रहा हूँ वो आज एक छोटे से बच्चों को इतनी खुशी दे सकता है, तो उससे ज़्यादा मेरे पास तो मेरे से और क्या उम्मीद की जा सकती है, और मेरे को क्या खुशी महसूस होगी। दुर्गाराम जी, जैसे मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपको लोग ये रोबिन हुड और बॉस की उपाधि देते हैं, जैसे कि मेरे खुद के बॉस के रूप में सेव है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं मतलब मेरा लोग मेरे नाम से ज़्यादा, मेरे जो उपनाम है उससे ज़्यादा मैं मतलब परिचित हूँ गाँव में? ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है और आप भाई लोगों का साथ है, आसपास के जनता का प्यार है कि इन लोगों ने मेरे को इन नामों से पहचान। जैसे लोग आपको कभी कभी बुलेट वाले सर भी बोलते हैं, जैसे बच्चे आपको मतलब देख के भारत माता की जय जय हिंद के नारे लगाते हैं, तो क्या आप मतलब आपके दिमाग में या आपके जो दिल में जो क्या भावना उमड़ती है कृपया उसको बताने का? वैसा है कि जैसे मैं शुरू से ही हमेशा, वैसे देशभक्त तो शुरू से हर बंदा देशभक्त होता है, लेकिन मेरे में कुछ ज़्यादा ही कूट कूट कर देशभक्ति भावना भरी हुई, और मैं जिस इलाके में सर्विस करता हूँ वहाँ पहली बार आर्मी के कपड़े बच्चों ने मेरे पास ही देखे थे, और मेरे को हमेशा शुरू से रहा कि फिर मेरे को ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि यार मेरे को आर्मी के थोड़े बहुत कपड़े पहनने चाहिए, चाहे जैकेट हो चाहे टी शर्ट हो, उससे क्या है कि बच्चे मोटिवेट हुए, काफ़ी बच्चों ने आर्मी के कपड़े देख के आर्मी में जाने की सोची कि साहब ये कपड़े कहाँ होते हैं, ये तो फौज के कपड़े हैं, तो बच्चों को लगता है कि यार ये सर फौज में रहे हैं, तो इस कारण मेरे पास सुबह और शाम को कुछ बच्चे आर्मी और पुलिस की तैयारी करने वाले आने शुरू हो गए, और मैं उन बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आपको आर्मी जाने के बाद क्या करना है, या उनको फिजिकल ट्रेनिंग पहले दी जाती है, उनको इतना परफेक्ट बना दिया, कई बच्चे आज आर्मी में भी गए हैं, कोई पुलिस में भी जा रहा है, तो ये अलग मेरे को खुशी महसूस होती है कि यार देखो मैं स्कूल टाइम के अलावा काम कर रहा हूँ, ये देश सेवा भी हो रही है, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं खुद अपने आप में फिजिकल एक्टिविटी करता रहता हूँ, मेरे को खुद को फिटनेस का शौक है, मैं खुद अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जाता हूँ, डेली की मेरी 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, तो बच्चे इतने मोटिवेट हुए कि यार जब ये सर इतनी दौड़ करते हैं अपने क्यों नहीं कर सकते, तो ये बच्चे मेरे साथ जुड़ने हुए, आज काफ़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, और कई कई दूर दूर से बच्चे मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं, जो इन बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग होती है। तो मोहल साहब, कभी आपने ये सोचा कि यार गवर्नमेंट की मदद लेके या सर किसी प्रशासनिक मदद लेके यहाँ पे एक
ऐसी एकेडमी बना दी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं ये पिछड़े हुए भी हैं, इनको मतलब आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से इनको आगे बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो कभी आपने इस प्रकार विचार किया कि मैं इस तरह की कोई एकेडमी यहाँ लाऊं? इस अकेडमी के लिए प्रयास तो है जी, पहले एक बार मैं यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार कर दूँ। ये प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, यहाँ से बच्चे मोटिवेट हो जाए, तो अकेडमी तो अपना बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार इन लोगों में जागरूकता आना जरूरी है, क्योंकि अभी कई बच्चे जागरूक हुए हैं, कई आ भी रहे हैं और कई बच्चे सीख भी रहे हैं। अब अकेडमी की इसे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं 20-25-30 को अगला बच्चा मंडा ट्रेन कर देता हूँ। तो अकेडमी की तब देखेंगे जब मान लो प्रशासन तब बात पहुंचाएंगे जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे या बच्चों की इच्छा हो जाएगी सर हमारे को ऐसी अकेडमी जैसी सुविधा। वैसे नॉर्मल अकेडमी की सुविधा तो मैं भी दे देता हूँ, इनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे सुबह फिजिकल एक्टिविटी हो गया, इनकी दौड़ हो गई, बाकी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो भी इनको मैं करा देता हूँ। पर जैसे मोहल साहब, जैसे ये शो जो है ये लोगों तक जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस शो के बाद कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता इस रूप में आपकी अगर मदद करना चाहे एकेडमी खोलने के लिए, तो आप उनको क्या सपोर्ट दे सकते हैं या आपका क्या प्रयास रहेगा उनके प्रति? देखो अगर इस इलाके में ऐसा कोई सपोर्ट चाहिएगा तो जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगा या जो इस इलाके से सपोर्ट हो पाएगा हम करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ कोई अकेडमी खुलने जैसे अगर कोई कदम उठेगा तो अगर वो आगे प्रशासन एक कदम उठाएगा तो हम 10 कदम उठा के उनके साथ चलेंगे। तो मोहन साहब, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जैसे हम सुनते हैं कि लोग आपके जो आपका जो स्कूल है उसके आसपास के एरिया में लोग कोई दीवानी या फौजदारी कोई विवाद होता है तो सबसे कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने में जाने से पहले पहले आपके पास आते हैं, तो ऐसे क्या कारण रहे या ऐसी उनकी क्या मजबूरी रही कि उनको वहां तक वो वहां नहीं जाके आपके पास आ रहे हैं? या तो आपको उनके प्रति मतलब आप उनके प्रति कुछ अच्छी रखते हैं आप, या फिर उनका आपके प्रति विश्वास ज्यादा है? देखिए सर 2011 से पहले तो नॉर्मल था, 2011 के बाद लोगों के काम आना शुरू हुए। पता नहीं अचानक कैसे कोई ईश्वर की ये काम मैंने मतलब अपना होते गए, जानबूझ के नहीं हो पाए, अब तो जानबूझ के करने पड़ते हैं, पहले अचानक होते गए लोग मेरे से जुड़ते गए। एक दो बार लोगों को ऐसा विश्वास आया, पता नहीं लोगों ने ऐसी कैसे भावना जगी कि लोगों में एक दिन आपस में चर्चा हुई कि यार एक जो सर आए हैं अपने ये बंदा कुछ भी कर सकता है। एक दिन गांव वाले कोई ऐसा मैटर लेकर आए कि आपस में चार भाई थे वो जमीन के बारे में लड़ गई, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने कहा ऐसा करो आप सर के पास जाओ, सर इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। और वो चारों भाई मेरे पास ऐसा समझ जाए, मैंने कहा ठीक है भाई थोड़ी देर बैठिए, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, छुट्टी के बाद अपन बात करते। उन चारों की बात सुन के मैंने समझा इसकी, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत, उन्होंने साहब मेरी जमीन का ये मामला, तो मैंने अच्छी तरह बात सुनी उनकी, उनको समझा इसकी, घंटे भर में वो सारी समझाइश होगी, चारों भाई खुश हो गए। कुछ भी वो वैसे इतने लड़ चुके थे कि पुलिस थाने आने जाओगे परेशान हो जाओगे आप, पुलिस के चक्कर काटने बारी पड़ जाएंगी, कल पेश यहाँ पड़ेगी, क्या पता किस केस का सुलटा रखा, वो जिंदगी खराब हो जाएगी। उन लोगों ने मेरी बात मानी और मेरे सुझाव दिए गए सुझाव पर उन्होंने अमल किया और 1 घंटे बाद वो चारों भाई बिल्कुल राजी आजी जैसे लड़ाई से पहले थे उसी तरह प्रसन्न होकर वापस घर गए। तो मेरे को एक अजीब खुशी हुई, मैं तो सोच नहीं पा रहा था कि यार ये काम मैंने किया है क्या आज। उसके बाद ऐसी खुशी, उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब कोई भी गांव में लड़ाई झगड़ा हो, कैसा फौजदारी मामला हो, दीवानी मामला हो, तो पुलिस के पास जाने से पहले लोग मेरे पास आते हैं कि सर आप समाधान कीजिए। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये भोले जनता है पुलिस के पास, पहले बड़ी बात तो ये पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ यार जब ये काम अपन कर सकते हैं बगैर पैसे के, बिना किसी वाद विवाद के, अगर अपन किसी परिवार को वापस मिला सकते हैं तो इनको पुलिस के पास जाने की नौबत क्यों आ गई? तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार के जो आपने जो विवाद सुलझाए इसके लिए कभी कोई राजनीतिक दबाव या कोई प्रशासनिक दबाव आपके ऊपर आया हो? देखो राजनीतिक दबाव तो ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि इस इलाका है ऐसा इलाका है कि यहाँ राजनीतिक दबाव की दिक्कत है नहीं। और प्रशासन भी चाहता है कि कोई बंदा तो है जो काम तो कर रहा है, कोई बंदा जो बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी अतिरिक्त खर्चे के काम कर रहा है और बगैर किसी व्यवधान के काम हो रहा है, जनता खुश है, तो प्रशासन मेरे को सपोर्ट फुल करता। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी या इस कोई राजनेता आपसे इस बारे में कभी मिले हैं या कभी इस बारे में आपसे कोई ना चर्चा ऐसा कोई मिलना नहीं हुआ, ना किसी चर्चा हुई, ना चर्चा नहीं हुई कभी? जी नहीं कभी आपको इस बारे में कोई अप्रेजल भी मिला? ऐसा कोई अप्रेजल नहीं मिला। तो अगर कोई अप्रेजल मिलता है तो आप इसको किस रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? देखो अप्रेजल मिलता है तो अच्छी बात है कि एक मेरा मैटर मेरा मैसेज वहां तक पहुंचा है। और अप्रेजल मिलने का मतलब ये है कि भाई आज कोई इस जनता की सुध लेने के लिए आया है या ये जनता जागरूक हुई है कि बात पहुंची। और जहां तक अप्रेजल की बात है कि भी कोरोना काल में अप्रेजल का ऐसे मौके मिले, मेरे को मिले भी थे। तो जैसे अभी आपने कोरोना की बात की, तो जैसे हम जान रहे हैं कि हम सब दो दो कोरोना सर्वाइवर रह चुके हैं, तो इस जो लॉकडाउन में जो आपने जो कानून और व्यवस्था जो संभाली है तो उसके बारे में कुछ शब्द कहें सर? सर कानून मामला ऐसा है, जब कोरोना पीक पे था उस टाइम मेरे यहाँ चेक पोस्ट पे ड्यूटी थी। एक दिन मैं किस जगह थे सर चेक पोस्ट? मेरी मादरी पंचायत में चेक पोस्ट पे ड्यूटी थी, अच्छा जहाँ खेरवा
अहमदाबाद से भी लोग आते थे, अच्छा मुंबई से भी लोग आते थे, और बाहर यूपी वगैरह से कई कई जगह से, एक एक दिन में 800-800 लोगों को हमने वहाँ की उनकी सैम्पलिंग लेके उनको वापस उनके घर भेजा, या जो कोई कंडीशन ऐसी थी उनको सबको क्वारंटाइन किया था। वो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि प्रशासन भी परेशान हो गया था संभालते संभालते। फिर मेरा अचानक दिमाग में आया कि मैंने कहा यार देखो प्रशासन परेशान हो रहा है, क्यों ना ये सारा काम अपन ही शुरू कर दें। तो मैंने उन लोगों को मोटिवेट करना, मैंने ऐसी मॉनिटरिंग जमाई की, लोग भी परेशान नहीं हुए और सब काम आराम से शुरू हो गया। और मैंने थोड़ी सख्ताई भी अपनाई, पुलिस वाला रवैया भी अपनाया, क्योंकि कहते हैं भय बिना प्रीत नहीं होती। तो लोगों ने मास्क को तो लगाने छोड़ दिया था उस टाइम पी कोरोना होने के बाद भी, तो मैंने थोड़ा पुलिस से अंदाज अपना के लोगों को मास्क कंपलसरी कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होगी, मार्केट की और पूरी पंचायत की व्यवस्था मैंने मेरे हिसाब से लागू की ताकि कोई परेशानी नहीं हो। किसी भी गरीब व्यक्ति को घर से, किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर आने की जरूरत नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, भूख लग रही है, कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे को उस टाइम को कॉल कर, 24 आवर्स उसको सुविधा उसको घर पर पहुंचाई जाती, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं होती। और लोगों को हमने क्वारंटाइन करना शुरू किया। लोग पहले समझते नहीं थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते थे, कई बार लोग हथियार भी लेकर आते कि आप कौन होते हमारा रोकने वाला। हमने कहा भैया हम रोकने वाला कोई नहीं, हम तो आपके भले के लिए करें। और काफ़ी दिनों बाद ये प्रोसेस चला तो लोग भी समझ लगे कि यार ये बंदा अपने लिए काम कर रहा, किसी और के लिए नहीं कर रहा। तो कभी इस बारे में कभी कोई विरोध झेलना पड़ा किसी का? विरोध मेरे को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा जब कोरोना वैक्सीनेशन था, लोग कोरोना के टीके के नाम से डरते थे। तो अभी क्या पोजीशन है सर उसकी? और ये जो आदिवासी इलाका था वहाँ तो ये हालत थी कि 2% वैक्सीनेशन भी 4 महीने में नहीं हो पाया था, तो प्रशासन ने क्या क्या किया गया, तो हमारे जो पीओ अधिकारी है उनको पास मैसेज आया कि क्या कर, तो एक लोगों में, जनता में, यहाँ के लोगों में ऐसा मेरे ऊपर पता नहीं क्या विश्वास है, लोगों ने कहा सर एक ही बंदा है जो इसमें वैक्सीनेशन करवा सकता। तो मेरे को यहाँ SDM मैम थे जो IAS ट्रेनिंग थे, उन्होंने अपॉइंट किया, कहा सर आप वैक्सीनेशन करिए। तो ठीक है, मैं भी गया, डॉक्टर से बात हुई, मेरे को एक दिन का टास्क दिया गया कि आप अगर एक दिन में 10 लोगों को वैक्सीन लगवा देंगे अपने प्रयास से तो हम आपको मान लेंगे। तो मैंने कहा भैया 10 वैक्सीन तो मेरे लिए बड़ा टास्क हो गया। मैंने टास्क लिया 20 वैक्सीन का। शाम को 2 किलोमीटर के दायरे में मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चली, सोच लीजिए आप 2 किलोमीटर हॉस्पिटल से गाँव था, उस दायरे में मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चल गई थी उन लोगों को समझाने में, लाने में। एक एक बंदे को लेकर आया, जहाँ से लाया वापस वहीं छोड़ के आया, तो लोगों को विश्वास देगा। पहले दिन मेरे पास 20 लोग आए, उसके बाद ऐसी भीड़ होने लगी कि हमारे वाइल खत्म हो जाती थी। और उसके लिए मैंने प्रशासन से या पंचायत के थ्रू 2 गाड़ियां लगवा दी, जो भी बंदा फोन करता था हम यहाँ खड़े हमारे वैक्सीन लगवानी है, उसको गाड़ी वहाँ से लेना जाती, वापिस वैक्सीन लगवाने के बाद वापिस छोड़ने। तो इस वैक्सीनेशन के लिए कहा था कि पहले जब न्यूज़पेपर में भी आया था या जो मीडिया में भी आया था कि इस वैक्सीन के प्रति लोगों में जो भ्रांतियां थी, तो क्या आपने उस भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया या एक दबाव के रूप में आप उनको? नहीं, भ्रांतियों का मैंने ऐसे प्रयास दूर किया, जब हम यहाँ शुरू में प्रचार करने जाते थे फील्ड के अंदर तो लोग हथियार लेके आते थे, कई बार लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज का तो कोई उदाहरण बच्चा ही नहीं हो जो हमारे को गाली नहीं मिली हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो जिस दिन लड़ाई नहीं हुई हो, सब तरह के हथकंडे अपनाए। लेकिन लास्ट में लोगों ने, मैंने भी ये कहा, मैंने कहा जिद तो मेरी यही है कि मैं वैक्सीनेशन सबके करवाऊंगा, आपने साम दाम दंड बिल्कुल सब तरीका अपनाया। मैंने उसके लिए क्या करता, जैसे आज जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों पे मैं 24 आवर्स अपनी निगरानी रखता। कोई बंदा अगर रात को 12 बजे फोन करता है मेरे को बुखार आ रहा है, तो मैं रात को 12 बजे जाके भी उसको दवाई देकर। जैसे अभी अपन जानते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, अपन पूरे भारत पैन इंडिया की बात करते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी वैक्सीनेशन 50% से नीचे हैं। तो कभी अगर आपको सरकार का अगर बुलावा आता है तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देश के लिए तो जान न्यौछावर है। तो इसके लिए आपके क्या क्या प्रयास है, अगर कुछ 2-4 बात प्रयास ऐसा जैसे इसके टीकाकरण बढ़ाने के लिए कुछ 2 ऐसी बातें जिसके मतलब जिससे आप टीकाकरण बढ़ जाए, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन 50 फर्स्ट डोज ही 50% से नीचे है, तो उसके लिए आप ऐसे कुछ 1-2 उपाय ऐसे जो बताना चाहें। देखो जो मेरी पंचायत वो ऑल इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल पंचायत है जहाँ 100% वैक्सीनेशन जून 2021 में हो गया था, और 15 दिन के अंदर मैंने पूरी पंचायत का 98% लोगों को वैक्सीनेशन करवा दिया। उससे ये फर्क पड़ा कि आसपास की पंचायतें मोटिवेट हुई, यहाँ के प्रशासन ने मेरे को बोला सर आपको पूरे ब्लॉक का चार्ज दिया जाए, पूरे ब्लॉक में वैक्सीनेशन करवाइए। लेकिन मैंने कहा भाई ब्लॉक में मेरे को चार्ज देने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही मोटिवेट करूँगा। तो आज मेरी टीम और मेरे सहयोग से या मेरे प्रचार से इतना फर्क पड़ा कि लगभग जो ट्राइबल बेल्ट था उसमें 89% वैक्सीनेशन हो चुका। और कुछ मैंने तरीके देखो आउट ऑफ ब्लॉक भी जाना पड़ा क्योंकि लोगों को समझाना भारी काम था, क्योंकि देखो इन लोगों में ऐसी भ्रांति थी कि वैक्सीन लगवाने से मर जाता है। तो मैंने कहा भाई कोई नहीं मरेगा, तो ये लोग बोलते साहब गारंटी क्या है, अब गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है। फिर मैंने कहा भाई आपको क्या गारंटी चाहिए, लोग बोलते साहब आप स्टाम्प लिख के दीजिए कि अगर हम वैक्सीन लगवाने के बाद हमारा पालन पोषण आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मैंने 6 हर्ष लिखा, मेरे को पता था कि वैक्सीन का कोई भी ऐसा केस बिगड़ा नहीं इंडिया में और वैक्सीन से आज तक कोई मरा नहीं, तो मैंने काफ़ी लोगों को स्टाम्प लिख के दी।
जिसको स्टाफ ने था उसको व्हाइट पेपर पे मैंने लिख के दिया, मैंने कहा 48 घंटे तक आप गारंटी पीरियड में हो, मेरी निगरानी में रहोगे, अगर 48 घंटे तक आपको कुछ हो जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपके परिवार का पालन पोषण मैं करूंगा। लेकिन ईश्वर ऐसी कर पा रही कि पूरी पंचायत में 15 दिन में किसी भी बंदे को बुखार तक नहीं आया। तो इस बारे में किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी इस बारे में चर्चा हुई, इस बारे में स्टाम्प बाबत? स्टाम्प बाबत तो प्रचार मैंने आगे नहीं किया, मैंने कहा भाई स्टाम्प तो ऐसा कोई इसमें नॉर्म था नहीं कि आप किसी को इतना दीजिए, लेकिन मैं तो ये मेरे व्यवहार पे दिया, मेरे विश्वास पे, फिर लोगों को मेरे से इतना विश्वास था कि मैं इस चीज़ को मना नहीं कर सका, और लोगों ने जो जो मेरे से सुविधा मांगी वो सुविधा मैंने हमेशा दी। तो मुवाल साहब, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अपने भारत में जो जनजाति क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसमें 50% से ऊपर बच्चों की कंडीशन ये है कि वो बाल मजदूरी या चाइल्ड, मतलब अपन जिनको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, या मतलब आप एक क्या एडवाइजरी या आप आपके क्या प्रयास है जो आप चाहेंगे कि एक पेन इंडिया लेवल पे किए जाए? मेरे प्रयास से ये पहली बात, तो आपको माता पिता को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने इस इलाके की कंडीशन देखी है उसमें 50% तो बच्चों को जो मेट वगैरह होते हैं वो रात्रि में जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, तो माता पिता को ध्यान रखना होगा बच्चा अपने अपना कहाँ, और कुछ माता पिता यहाँ इस इलाके में नशे के इतने आदि है कि वो अपने बच्चों को मजदूरी के लिए 1500 रुपये पर मंथ के लिए बच्चे को मजदूरी में धकेल देते हैं, कई बार बच्चे वहाँ से भक्के आ जाते हैं, कई बार बच्चे अपंग हो जाते हैं, 15 से 18 घंटे बच्चे से काम करवाया जाता है, मारपीट की जाती है। तो मेरे ये है कि एक तो माता पिता को जागरूक किया जाए, एक स्कूलों में स्कूल में ये बोलो भाई जो बच्चा आपके कंटिन्यू नहीं आ रहा है उसकी निगरानी करके हमारे को आंकड़े दीजिए आप कि कौन बच्चा कहाँ गया, और फिर डेली आप स्कूलों में प्रेयर के समय मॉनिटरिंग कीजिए, डेली अटेंडेंस प्रेयर में पता कर लीजिए भाई कौन सा बच्चा एबसेंट है, अगर कोई बच्चा 2 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है तो उसके आप घर जा कर पता कीजिए किस कारण बच्चा अनुपस्थित हुआ, घर वाले अगर झूठ बोले तो आसपास अपने लोगों से ऐसे इन्फॉर्मर तैयार कीजिए जो गांव में विश्वासी लोग हैं उनसे आपको न्यूज मिल जाएगी। जैसे ही बच्चा कोई मजदूरी पर जाता है या कहीं मजदूरी भेजा जाता है या बात कोई किसी बहाने से उठा कर ले जाते हैं तो आप सख्त एक्शन लीजिए, आपको खुद को रिस्क लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें जान जाने का बहुत खतरा है, आप या तो पुलिस प्रशासन मदद ले सकते हैं या फिर 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो 24 चालू रहते हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं, और उसके लिए आपको बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। मेरा एक मिशन और चलता है कि इस ट्राइबल बेल्ट के अंदर बच्चों को ज़्यादा ले जाया जाता है, कई बार बच्चों को बेच दिया जाता है, बेच भी देते हैं, कई बार बच्चों को दूसरी जगह जैसे मान लो कहीं शादियाँ नहीं होती छोटी बच्चियों को वहाँ उनसे शादी करवा दी जाती, बच्चे घर वापस नहीं आ पाती, माँ बाप कहीं ढूंढना नहीं जानते क्योंकि ये गरीब बोले लोग आदिवासी लोग जानते नहीं है कि ये कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये बहुत ऐसी कंडीशन है, इनमें आपको लोगों को अवेयर करना होगा कि आपके बच्चे के साथ क्या क्या घटनाएं होती है, अगर इन माता पिता कि हमारे बच्चों के साथ ये घटनाएं हो सकती है तो हो सकता है ये कुछ काफ़ी रुक जाए, और प्रशासन तो वैसे अपना काम कर ही रहा है, प्रशासन को मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी मॉनिटरिंग स्ट्रिक करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे सामने एक बड़ी समस्या ये है कि जैसे मान लो मैंने बच्चों को बाल मजदूरी से आजाद तो करवा दिया, अब उन बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करूँ, ये मेरे साथ बड़ी समस्या थी, तो इसके लिए आपने क्या कुछ मैंने प्रशासन से भी हेल्प मांगी तो प्रशासन ने बोला कि सर कुछ आर्थिक रूप से उनको सहायता वगैरह, आर्थिक तो सुविधा जैसे आगे से कोई हेल्प मिली नहीं, आर्थिक सुविधा मैं देता, जैसे मान लो बच्चा आ गया बोलता अब बच्चा क्या है कि जैसे मान लो 2 महीने से मजदूरी पे गया हुआ वो इस क्लाइमेट में शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में गया हुआ है, परेशान हुआ हुआ है कि वो कहीं जाने से घबराए, पहले तो आप उस बच्चों को विश्वास में दो, अपना तो दर्शाओ उस बच्चे को, प्यार दो, बच्चा धीरे धीरे खुलेगा आपको अपनी कंडीशन, फिर बच्चे को स्कूल में इतना बिजी रखो, खेल कूद में हो गया, जिसमें जिस काम में बच्चे का मन लगे उस काम में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए आप, खेल कूद में हो गया, अगर बच्चे का पढ़ने का मूड नहीं कोई बात नहीं उसको 5-7 दिन मत पढ़ाइए आप, बच्चे को यहाँ के माहौल में डालिए। मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने जैसे बच्चों को सुबह योगा सेशन कराता हूँ 1/2 घंटे का ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराता हूँ, बच्चों को हर साल पिकनिक लेकर जाता हूँ ताकि बच्चे उस जो अपने साथ घटित अप्रिय घटनाएं उनको भूल सके और वापस इस माहौल में डर सके। तो कभी ऐसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा कि जिसमें आपको मतलब ग्रामीण लोगों का कभी विरोध झेलना पड़ा कभी किसी केस के लिए, या कभी कोई राजनीतिक दबाव इस जैसे आपने बताया था कि जैसे शादी करा दी जाती है या कहीं बाहर भेज दी जाती है, धकेल दी जाती है, तो जैसे कि अपन जानते हैं कि जो संस्थाएं हैं जैसे UNHRC यूनिसेफ हैं, भारत सरकार की बाल विकास जो कल्याण संस्था जो योजना चलती हैं, इसमें कभी आपने मतलब आपको कभी सहयोग मिला या कभी आपने उनसे सहयोग लेने के लिए कभी कोई अपेक्षा रखी? मैंने किसी से सहयोग लेने की कोशिश नहीं की, जब ये काम मैं इजीली कर सकता हूँ तो किसी को परेशान क्यों करें, अगर ये मेरे बस का नहीं होता तो मैं किसी सहयोग मांगता, ये मैंने काम अपने बस पर किया कर पाया ऐसी रही कि अपना काम होते भी रहे, कई बार ऐसे ऐसे लोगों में भिड़ंत हुई जो अपने आप में बहुत बड़े हाथी थे, एक बार एक
जो मेट या दलाल ठेकेदार था उसने कहा था साहब मेरे पास 5,000 लोग काम कर रहे, आपने सिर्फ इन दो बच्चों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, आप जानते नहीं हम क्या चीज़, आप जाओ वहीं खड़े खड़े हम खत्म कर सकते हैं आप। भैया वो तो बाद की बात है, पहले आप इन बच्चों को फ्री कीजिए, वो तो बाद में देखेंगे कौन खत्म होता है कौन जिंदा रहता है। तो काफ़ी धमकियाँ भी मिली है, लोगों ने ये भी बोला है कि ये काम बंद कर दी, इस इलाके में रहने नहीं देंगे। लेकिन इन चीज़ों का मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब काम करना है उसमें भी नतीजा देगा भाई, परिणाम क्या आएगा वो बाद की बात है। 8% अपन परिणाम को सोच के परेशान क्यों, अपन को परिणाम को सोच के 8% को क्यों परेशान है और अपना काम क्यों बंद करें। तो मोहल साहब कभी जैसे चाइल्ड लेबर के अलावा भी कोई कभी कोई ऐसा केस आया जैसे कबूतरबाजी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग टाइप का कोई केस आया आपके सामने? ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोनों पैरेलल केस थे। जैसे कई बार यहाँ रात को आदिवासी लोग हैं, मेरे पास एक भी केस रिसेंटली आया था बांसवाड़ा के अंदर, जो ये रेवड़ चढ़ाने वाले होते हैं वो आदिवासी लड़कों को लीज पे ले जाते हैं। अच्छा, सोचिए ह्यूमन बॉडी भी लीज पे जा रही है आज, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये घर वालों को दे दिए, साल भर तक बच्चा लीज पे ले लिया। लीज पे लेने का मतलब ये हो गया कि बच्चा साल भर तक उन रेवड़ के अंदर रहेगा, उन रेवड़ की रखवाली करेगा, उनके साथ वो एनी टाइम रहेगा। अब सोचिए उस बच्चे को आज जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन बांसवाड़ा से लेकर जाते, रेवड़ चढ़ाने वाले ऑल इंडिया घूमते हैं, अब वो छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, कहाँ कहाँ घूम रहा है, वो क्या क्या परेशानी हो रही है, और क्या पता वो रास्ते में बीमार होकर मर गया, तो कोई माता पिता के पास कोई उन कोई एविडेंस है नहीं कि हमारे को ले जाने वाला कौन था, न उनके कोई आधार कार्ड उसके पास होता है, या न अगले को ले जिसको बेचा है या लीज पे दिया उससे कुछ प्रूफ लेते हैं, कोई भी प्रूफ नहीं होता। भगवान मालिक है, बच्चा घर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, माता पिता की इसमें बहुत मतलब कुछ गरीबी है, कुछ लोग अनपढ़ भी है, अशिक्षित है। घर वाले बोल रहे बेटा जब मौका मिला है ना, अगर आपको किसी का भला करने वाला कौन, लेकिन अगर भी मौका मिल जाए तो उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। और ये मेरे खून में ही है, क्योंकि मेरे को संस्कार ऐसे मिले हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति समस्याग्रस्त है उसके आप हमेशा हेल्प कीजिए, चाहे अपने पास खाने को नहीं हो लेकिन अगला कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरी हमेशा ये पॉलिसी रही। मोहल साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने कभी ये सोचा है कि जो मैं काम ये मतलब एक टीचर के रूप में जो कर रहा हूँ, क्या मैं अगर ऊंचे पोस्ट पे प्रशासनिक अधिकारी रूप में अगर मैं जाता हूँ तो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या उस काम पे कोई प्रभाव पड़ेगा मेरा? देखो सर वो तो एक तो पोस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे अब पोस्ट मेरे पास अभी नॉर्मल टीचर की पोस्ट है, लेकिन मैं जिस पोस्ट पे हूँ उस पोस्ट पे 100% देने का कोशिश करता हूँ। नहीं लेकिन जैसे कभी आपका जैसे आप कभी प्रशासनिक या जैसे कभी आप प्रमोशन एज ए प्रमोशन कभी आप प्रशासनिक स्तर पे गए या कभी कोई प्रशासनिक पोस्ट पे अगर आप पहुँचते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं इस काम को कंटिन्यू करूंगा या मेरा ये काम इससे अफेक्ट होगा? नहीं कंटिन्यू, या मैं इसको बहुत अच्छी तरह से और अच्छी तरह कंटिन्यू भी जो काम तो कंटिन्यू रहेगा। देखो मेरा तो एक ही सिद्धांत है, अगर बंदी करना था शुरू क्यों किया, और एक इस फील्ड में देखा था कि अगर मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि यहाँ थोड़ा ऐसी ज्यादा है फॉलोअर ज़्यादा मिल जाए, आपको लीडरशिप वाले गुण नहीं मिलेंगे किसी में, फॉलोअर खूब मिल जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ लोगों में ऐसी लीडरशिप वाले गुण पैदा हो, और अगर भगवान ने मेरे को किसी प्रशासनिक पोस्ट पर पहुँचाएंगे, भगवान पहुँचा दे कृपा हो ऐसी, तो मैं इस काम को कई हज़ार गुना दुगुने मेहनत से करूँगा, लेकिन ये मेरा काम कभी बंद नहीं होगा चाहे मैं इस फील्ड में रहूँ या ना रहूँ। तो बहुत अच्छी बात है सर, हमको भी आपसे प्रेरणा मिलती रहेगी। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप जिस कीचड़ में मैं कूदा हूँ उसके छींटे कभी मेरे ऊपर पड़े हों? चलेगा कोई दिक्कत नहीं सर, रोज गाड़ियाँ छोड़नी पड़ती है, रोज कीचड़ के छींटे लगते हैं, लेकिन वो एक कहावत है कि गाड़ियाँ निकालने से अगर किसी के फोड़े पुंछ नहीं होते, तो अपने वही बात आजकल तो मैं ऐसा वो हो गया कि इस कान से छोड़ा, मैं तो सिर्फ अच्छा ही बात होती है वो तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बुरी बात को वहीं छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आपने पहले बताया था कि आप डेगाना से हैं जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे मतलब वस्तुओं के अभाव रहते हैं, रेगिस्तानी इलाका है चूँकि वहाँ पे जल और जो मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनके हमेशा अभाव रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि यार आप उनको हमारे इस क्षेत्र से कनेक्ट कर रहे हैं कि यार जो परिस्थितियाँ मैंने देखी या जो परिस्थितियाँ आज मैं हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है या कुछ परिस्थितियाँ अलग है, ऐसा कभी कुछ लगा? देखो ऐसा है कि मेरे पूरी फैमिली हम किसान परिवार से हैं, इतनी ज़्यादा तो परिस्थितियाँ मेरे को घर वालों को भी महसूस नहीं होने थी, क्योंकि घर वालों ने मेरे से ऐसा कुछ इतना हार्डवर्क नहीं कराया, घर वालों ने हमेशा पढ़ाई पे जोर दिया, अच्छे संस्कार दिए, कभी गंदे संस्कार नहीं दिए और हमेशा मोटिवेट ही किया। खैर हो सकता मैं उन संस्कारों को मानता हूँ कि आज उन संस्कारों के कारण ही मैं आज यहाँ हूँ या उन संस्कारों के कारण ही मैं काम कर पा रहा हूँ, और मेरे माता पिता हमेशा ये रहे कि बेटा अगर किसी का भला नहीं कर सकते बुरा किसी का नहीं कर। तो जैसे आपके जो मित्र हैं जैसे आपको सुपर को रॉबिनहुड बॉस इस नाम से पुकारते हैं, तो आप दुर्गा नाम कहलाना ज़्यादा पसंद करेंगे या जो आपके उपनाम है वो कहलाना ज़्यादा पसंद करेंगे? देखो जो जिस नाम से पुकारे नाम तो मेरा ही आना है,
नहीं, लेकिन फिर भी आपको उपनाम, जैसे जैसे कोई आपको उपनाम से पुकारता है, जैसे आपको रोबिन हुड या कोई बॉस नाम से पुकारता है, तो आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है या कोई दुर्गाराम, एक दुर्गाराम बोल के बुलाए तो वो ज्यादा अच्छा? देखो जी, कई बार ऐसा हो जाता है सर, इतने उपनाम हो गए, कई बार मैं खुद का नाम बोलने जैसी कंडीशन हो जाती है। कई बार अगर कोई मेरे नाम से मिलने भेजता है कि दुर्गाराम जी यहाँ पर रहते हैं क्या, तो कई बार तो कैसे दुर्गाराम जी पता नहीं है, फिर कोई बोलता है कि यार बॉस है क्या, हाँ बॉस है। तो कई लोगों ने मेरे नाम सिर्फ मेरा नंबर मोबाइल में बॉस नाम से सेव कर रखे। अब पता नहीं लोगों में ऐसा क्या मेरे अंदर क्वालिटी देखे हैं, क्या पता क्या ऐसी बुराई है जो लोग उस नाम से सेव कर लेते हैं, या क्या पता नहीं क्यों इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जैसे कि हमारे क्षेत्र में आपकी एक पहचान है कि मिलिट्री वाले सर, तो ये मतलब जो आपकी जो फिजिक जो है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दें कि यार कि एक आम नागरिक या जो आम बंदा है जो आपकी जो ये वीडियो देखेगा, वो किस तरह से अपने आप को मतलब आपके इस तरह पे इस तरह से बिल्डअप कर पाया? देखो फिजिक तो मैं हमेशा ही फिजिक के प्रति बिल्कुल ही एक्टिव रहा हूँ हमेशा। कुछ ऐसा कुछ ऐसा कोई स्पेशल खान पान या कुछ ऐसा कुछ जो आप उनको बताना चाहें? देखो सर मैं बताऊँ स्पेशल आपको, इस इलाके में कुपोषण की बड़ी समस्या है, तो मैं कुपोषण के लिए जो मिशन चला रहा हूँ उस मिशन में ये है कि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदिए। जैसे आजकल बच्चे जैसे सप्लीमेंट्री फूड खाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं, तो वो उनको खाना चाहिए या मतलब जो अपनी जो नेचुरल डाइट है वो लेनी चाहिए? देखिए सप्लीमेंट तो जो वो चीज़ें आप अगर मान लो बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बना रहे हो, आप बिल्कुल पीक पे पहुंच सको, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है और वहाँ आपको ये जब बॉडी में कटिंग लाने के लिए सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। लेकिन आप नॉर्मल जैसे हंसी मजाक की बात है, जैसे कि जैसे हम मानते हैं कि जिसकी कमर 24 की है लेकिन वो 24 किलो का डब्बा ला के खा रहा है प्रोटीन का, तो क्या उसको उस चीज में उतरना चाहिए? वो नहीं उतरना, देखो 24 किलो का बंदा है, 1 किलो डब्बा ला रहा कोई मतलब नहीं है। पहले उस फिजिक तो वहाँ पहुंचो तो सही, जहाँ आप जो प्रोटीन ले रहे हो पहले उस स्टेज पे पहुंचो। उस स्टेज के लिए आपको कोई मार्केट से ज्यादा महंगी चीज खरीदनी नहीं, नॉर्मल चीजें सब लोग ज्यादातर लोग खेती वाले होते हैं, अपने खेत में हरी सब्जियां उगाई, पौष्टिक चीजें लीजिए, दूध वगैरह पर जोर रखिए, कोई भी बाहर का सप्लीमेंट नहीं, दाल वगैरह खाइए आप, कुछ स्प्राउट्स वगैरह शाम को भिगो लीजिए। कुछ ऐसे दो सुपर फूड जो आप सजेस्ट करना चाहें? सजेस्ट ऐसा है जिसको रोज अगर खाएं तो बच्चा आपकी जैसी बॉडी पा सकता है? कुछ देखो ऐसा तो कोई, ये तो जेनेटिक होती है जी, कोई किसी की तरह बॉडी नहीं पा सकता, हर आदमी अपने आप में यूनिक है। लेकिन वो ये कि जैसे आपके घर पर जो भी सुविधा हो या आपके आस पास जो वातावरण में कम पैसों में मिल पा रही हो, अपन उस पर जोर रखते हैं। देखो मैं सबसे ज्यादा फुल फूड तो मानता हूँ आप दूध पीजिएगा। देखो हमारा तो घर में ये कहावत है, दूध दही घी छाछ पे जोर रहता है अपना, तो बस उस पर जोर रखना, बाकी वो कहते हैं कि कहावत है कि सब्जी तो रोज सब्जी तो सब्जी का कोई खाने की चीज़ है, दूध दही घी खाइए आप तो बॉडी बनेगी आप। अच्छा तो मुअल साहब, जैसे कि मैं आपको अपनी इस बात को वाइंड अप करते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई दो लाइनें जो आप हमारे यूथ को कहना चाहें, जो अपने जो दर्शक हैं जो ये जो अभी हमारा जो चर्चा को देखेंगे, तो वो ऐसी दो लाइन जो उनके लिए प्रेरणादायक हो। तो यूथ के लिए ये है जी, एक तो आज के टाइम में ज़्यादा नोट कर रहा हूँ 80% यूथ नशे की गिरफ्त में, एक तो आपको नशे से बचना चाहिए। क्या है कि शुरू शुरू में लोग टशन के लिए नशा करना शुरू करते हैं कि यार इस अंगुली में दबा के सिगरेट यूँ पियेंगे तो थोड़ा यूँ रोब जमेगा यारों में, वो टशन कुछ नहीं होता, वो लत हो जाती बाद में। एक तो आप नशे से दूर रहिए, एक कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, मेरा ये मोटर आज जो अपने सरकार फिट इंडिया चला रही है, इस फिट इंडिया का मोटो, फिट इंडिया का मतलब मकसद क्या सरकार से लाने का, कि पूरा इंडिया अगर फिट रहेगा तो इंडिया से कोई इंडिया में कोई मतलब हर व्यक्ति फिट रहने से बीमार नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये फिट इंडिया जो चला अच्छे मिशन, और मैं इस फिट इंडिया के तहत जब मैं सुबह जॉगिंग पर जाता हूँ 3:30 बजे, तो काफ़ी लोग इतने मोटिवेट हुए मेरे से कि कई बार आ जाते हैं साहब कल हमारे को लेकर चलिए। हाँ हालांकि वो दो दिन से ज्यादा वो भी नहीं चल पाता, लेकिन उसमें एक मन में भावना हो जाती है कि यार मेरे को ये करना चाहिए, और काफ़ी इन लोगों से इन चीज़ों से मोटिवेट हुए। एक तो आप नशे से दूर रहिए, एक अपने कहते हैं कि अगर आपका जो पूरा 24 घंटे का रूटीन है, अपना आप उस 24 घंटे में से कम आप 1% टाइम भी अपनी अगर बॉडी के लिए देते हैं, 24 मिनट अगर आपने अपनी बॉडी को दे दिया तो आपको कोई भी बीमारी नहीं घेर पाएगी, आप फिट की बात बोल अपने आप में आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार मेरी बॉडी अच्छी। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना अपने के नशे की लत, एक तो नशा छोड़ दीजिए, एक खान पान के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं, घर पर जो चीज़ मिल रही है वही खाइए और खा पी के मस्त रहिए। सबसे बड़ी बात है कि खाने की क्वालिटी जो अपने घर पे मिल रहा है वो सबसे बेस्ट फूड है। कहते हैं वो एक कहावत होती है कि खाना वो खाइए जो अंग लग सके। आप खाना कोई कई बार कई लोग ऐसे भी देखते हैं मिलते हैं जो सूखी रोटी खा के भी काम चला रहे हैं, कई लोगों को अच्छे पकवान मिलके बनने भी बॉडी नहीं बन पा रही, तो वो आपको शरीर में गुण लगने की बात है। आप उस भोजन को एक जो प्रसाद लीजिए आप कि यार मेरे को आज अच्छा फूड मिला, आप अपना अगर मेंटली आप प्रिपेयर हो ना तो आपको कोई भी अलग सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, और मन के हारे हारे मन के जीते जीत।
तो मोहन साहब, जैसे कि आपने यूथ के लिए तो बता दिया, अब कृपया हमको जो अभिभावक, जो हमारे अभिभावक हैं, जो प्रौढ़, जो जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए कोई दो शब्द आप कहना चाहें। देखो, अभिभावकों दी है जी कि एक तो बच्चों को एजुकेशन से जोड़े रखिए, बच्चों से मजदूरी कराने में पूरी उम्र भरी है, क्या पता है इन बच्चों में से कोई भगत सिंह हो जाए, कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाए। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत आवश्यकता भी है देश को कि दूसरे सुभाष या दूसरे भगत सिंह की आवश्यकता भी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र से निकले तो उस हमारे लिए और बहुत अच्छी बात होगी। उसके लिए कुछ अभिभावकों को सजेशन। देखो, बच्चों में क्या क्वालिटी बच्चों को नहीं पता होती, अभिभावकों को भी ज्यादातर नहीं पता होता कि हमारा बच्चा क्या करने वाला है। कई बार अपन सोचते हैं जैसे कोई बच्चा सक्सेस होता, फिर अपन कहावत बता दें, ये तो हम तो शुरू से जानते थे। अरे, आप शुरू से नहीं जानते थे, ये एक बच्चे को डिमोटिवेट करने का तरीका होता है। इससे अच्छा आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए। कई बार ऐसे सुनते हैं गार्जियन से कि देख वो बच्चा इतने नंबर लाया, अरे यार वो बच्चे में हर क्वालिटी, जब आदमी की फिंगरप्रिंट, जीभ और आंखें सेम नहीं है तो एक बंदे में, दो बंदों में सेम गुण कैसे हो सकते हैं? तो माता पिता को फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चे में जो क्वालिटी है वो आने आने दीजिए। पहले जब कई बार बच्चे कहते हैं यार खेल कूद, अरे यार खेल कूद में क्यों, कैरियर नहीं बनता क्या? आज नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है क्या, कैसे बना? अब उस नीरज चोपड़ा जी कहानी सुनिए आप। वो बंदा पहले मोटा था, उन्होंने सोचा मैं फिटनेस के लिए वो जाना शुरू किए, उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और आज वो किस स्टेज पे, वो बिल्कुल साधारण परिवार से, उनके घर वाले भी परिवार में यही पता चलती होगी, देखो छोरा वहां पहुंच गया, तू यहीं बैठा है अभी तक। तो ये तो बच्चों को डिमोरेज मत कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमेशा उनको, अच्छे से अच्छा जो बच्चे में क्वालिटी है उसको आगे आना दीजिए। आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए, बच्चा चाहता है कि मैं साहब ये काम करना चाहिए, कर, कोई दिक्कत नहीं, फ्री होना चाहिए। बस आप बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि बच्चा अपने ट्रैक से चूके नहीं, बच्चे में ऐसी क्वालिटी दीजिए कि बच्चा कहीं भी जाए तो पहले माता पिता के बारे में सोचे कि मैं यार जो काम कर रहा हूँ वो समाज के लिए सही है कि नहीं, कहीं मेरे माता पिता की बदनामी तो नहीं हो रही, कहीं मेरे देश की बदनामी तो नहीं हो रही। अगर ये बच्चे में संस्कार होंगे कि कहीं मेरे देश की बदनामी, मेरे माता पिता, मेरे परिवार, मेरी खुद की बदनामी तो नहीं हो रही, तो बच्चा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा और न बच्चा गलत ट्रैक पे जाएगा। और बच्चे को अच्छी एजुकेशन दीजिए, जरूरी नहीं कि आप महंगी स्कूल कॉलेज में भर्ती कराएं, मैं कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा बच्चे को वो चीज दीजिए जो बच्चा बच्चा चाहता है, या बच्चा में जो क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। तो जैसा कि हमने आज आमने सामने लिया है दुर्गाराम जी मोवाल को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और जिनके जो विचार हैं इतने इतने शुद्ध हैं कि जिनको अगर हम अपनाते हैं तो शायद हम भी कुछ कर पाएंगे। तो आपका हमने समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।